माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, अब आप लोग के 20 दिन में कैसे आप लोग अपने जुडिशरी की तैयारी करें, जो आप लोग का समय कम बचा हुआ है, इसके लिए आप लोग को देखिए, हम जर्नी पर जा रहे हैं, समय का उपयोग कर रहे हैं ताकि आप लोग को अधिक से अधिक इसका सुविधा मिल सके। तो 20 दिन में कैसे आप लोग अपनी तैयारी को करें, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। तो देखिए, जो आप लोग का समय बचा हुआ है 20 दिन, इसके अंदर आप लोग क्या करें कि जो रिवीजन है उस रिवीजन को ज़्यादा फॉलो करें। और रिवीजन में जैसे आप लोग जो बेयर एट में सेक्शन वगैरह पढ़ चुके हैं या आपने टेस्ट बुक पढ़, उस सेक्शन को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और देखिए, केस लॉ पर ज़रूर ध्यान दीजिए, केस लॉ जुडिशरी के एग्ज़ाम में बहुत आता है। अमेंडमेंट पर ध्यान रखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हुए हैं, तो 105 अमेंडमेंट आप लोग एक एक करके पूरा देख डालिए। और इधर आप लोग को सर ने जो करंट केस लॉज बताए हैं उस पर, जैसे विवेक नारायण का केस हमने नोटबंदी पर आप लोग को बताया है, आप लोग को जनहित अभियान बताया है जो 10% रिजर्वेशन पर बताया है, वो कर डालिए। और देखिए, लास्ट में आप सब ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना 10 ईयर का कम से कम पिछला जितना आप लोग के पास प्रीवियस क्वेश्चंस है वो जरूर लगा डालिए। यूपी जुडिशरी का, जिस जुडिशरी का मिले उसको लगा डालिएगा। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपको उसमें से 60% क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, एक बार फिर हम लास्ट में आप लोग को रिवाइज करा दे रहे हैं। जितने सेक्शंस, जितने केस लॉज जो आप लोगों ने पढ़े उनको तो आप लोग कंप्लीट करें, रिवाइज करें। और इसके साथ साथ आप लोग जो करंट केस लॉज है, अमेंडमेंट है, इसको आप लोग पूरा ध्यान रखिए। और लास्ट में आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को, कम से कम प्रीवियस ईयर के पेपर को आप लोग 3-4 बार लगाइएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको 60% क्वेश्चन उसी का रिवीजन मिलेगा। और इसके साथ साथ जब जो जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रहा हो, जो आपको तंग कर रहा हो, उसको किसी छोटे से कागज़ पर लिख लीजिए। और जब एग्जामिनेशन से आपका 3-4 दिन बचे तो उस कागज़ वाली बात को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा कि जो कागज़ में हमने लिखा था, जो हमको नहीं क्लियर हुआ था, वो आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो देखो, इतना आप करोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत टाइम दिया है जुडिशरी के लिए, आपने बहुत सर के क्लास किए हैं, सर के वीडियोस देखे हैं, तो आप लोग को ज़रूर सफलता मिले। बस लास्ट में यही, ये देखिए, एक तरह से संजीवनी बूटी है आप लोग के लिए लास्ट में, इसको अगर आप लोग यूज़ कर लेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत एडवांस में हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप लोग का जुडिशरी का प्रीज ज़रूर निकलेगा। और फिर मेंस के लिए सर आपके सामने फिर बताएंगे कि कैसे मेंस की तैयारी करनी है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।